गाइस, आज के इस वीडियो में हम स्पेशल बात करने वाले हैं कि इंटरनेशनल्स एंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स कब से चालू होंगी, कौन सा डेट से चालू होगा, नॉर्मल एंड रेगुलर फ्लाइट्स, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। और इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ्लाइट का नॉर्मल रेगुलर फ्लाइट जो चालू होगा उसका टिकट हम कैसे बुक कर सकते हैं और जो है कि क्या क्या प्रोसीजर होगा। वंदे भारत मिशन के तहत जो भी फ्लाइट चलाई जा रही है उनका टिकट तो आप एम्बेसी से या फिर इंडियन एक्सप्रेस के वेबसाइट पर जा सकते हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के वेबसाइट पर कोई भी टिकट बुक करने का ऑप्शन जो है कि जो भी है वहां पर क्लिक करने के बाद कुछ भी ऑप्शन नहीं आता है टिकट बुक करने का। और उसका क्या प्रोसीजर है वो तो अभी बहुत मुझे भी पता नहीं है, लेकिन आज इस वीडियो में स्पेशल मैं आपको ये बताऊंगा कि नॉर्मल एंड जो है कि रेगुलर फ्लाइट जो जब से चालू होंगी इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स उनका टिकट आप कैसे बुक कर सकते हैं और कौन से डेट से ये फ्लाइट जो है कि शुरू होगी नॉर्मल एंड रेगुलर फ्लाइट्स। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को आप जरूर देखिए। उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी मैं लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पर डालूंगा वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलेगा। इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ्लाइट का जो है कि चालू होने का डेट जो है वो 1 जून से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि मेक माई ट्रिप में जो टिकट बुकिंग का डेट उसमें दिखाया जा रहा है कि 1 जून से मेक माई ट्रिप पे इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ्लाइट के टिकट बुकिंग जो है कि हो रही है। तो इसी से पता चलता है कि 1 जून से डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है कि रेगुलर नॉर्मल फ्लाइट चालू हो सकती है। आपको अपने मोबाइल में सर्च करना है यहाँ पे मेक माई ट्रिप इंडिया, उसके बाद ये यहाँ पे मेक माई ट्रिप का सबसे पहला जो है कि वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से वेबसाइट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको फ्लाइट से एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद वन वे, राउंड ट्रिप, मल्टी सिटी जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्लाइट पे क्लिक करना है। फ्लाइट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ से मैं ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हूँ अबू धाबी टू दिल्ली। उसके बाद यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है किस डेट को जाना चाहते हैं। तो मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 जून को रहने देता हूँ। और उसके बाद सर्च फ्लाइट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सर्च फ्लाइट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। ये आप देख सकते हैं जो है कि इंडिगो है और इंडिगो 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 और एक और फ्लाइट है हन एयर, और उसके बाद जो है कि इजिप्ट एवस्टारा है, श्रीलंकन एयरलाइंस है, उसके बाद और कोई नहीं है, श्रीलंकन एयरलाइंस एवस्टारा है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद ये आपको दुबई टू न्यू दिल्ली आपको दिखा रहा है। तो जो भी फ्लाइट आप बुक करना चाहते हैं उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो भी अगर दो ऑप्शन है तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगर एक ऑप्शन है तो एक ऑप्शन है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से दूसरा जो है कि पेज आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको सारा चीज़ें देख लेना है इस तरह से। उसके बाद नीचे जाना है, फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है कि अगर जो है कि ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। उसके बाद मेल है फीमेल है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है सबसे पहले, उसके बाद लास्ट नेम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना ईमेल डालना है, आपको जो भी आपका ईमेल है वो आपको अपना ईमेल डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, इंडिया का वो नंबर डाल सकते हैं आप। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपको जो है कि फ़्लाइट में जो है सीट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आप यहां से सीट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा सीट सिलेक्ट करेंगे वैसा आपको अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। उसके बाद चाहे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। यहां पे आपको दिया हुआ है ग्रीन जो है कलर है वो फ्री है, उसके बाद तो ब्राउन जो है वो उसमें 5 दिरहम और बाकी और दूसरा कलर का जो उसमें 24 दिरहम, तो आपको चाहिए तो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर यहाँ पे कंटिन्यू एनीवे पे क्लिक करना है। कंटिन्यू टू एनीवे पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, और यहाँ से आप डिटेल्स पे क्लिक करके पहले आप डिटेल्स से देख सकते हैं। अबू धाबी टू न्यू दिल्ली है, मल्टी टिकट है इसमें, जिसमें नाम मैंने डाल दिया है और मोबाइल नंबर जीमेल आईडी डाल दिया है।
और उसके बाद ये टोटल इतना आएगा दिरहम में, और सब टोटल इतना है, और 20 दिरहम जो है कि चार्ज लिया हुआ है। तो ये आप यहाँ से पूरा टिकट देख सकते हैं, और ये टिकट आपके ईमेल एड्रेस पे भेज दिया जाएगा, जो भी ईमेल आईडी आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, ये सबसे पहला वाला ऑप्शन पे। उसके बाद नीचे नेम और नेम ऑन द कार्ड, कार्ड में जो नाम है, जिसका नाम है वो नाम आपको यहाँ पे डालना है कार्ड में, जैसे अहमद, शफीक, या मनोज, या प्रकाश, जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद कार्ड में जो एक्सपायरी मंथ है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कौन सा मंथ है। उसके बाद आपको यहाँ पे कार्ड का एक्सपायरी ईयर जो सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा साल में एक्सपायरी हो रहा है कार्ड आपका। उसके बाद जो CVV नंबर होता है 3 डिजिट का बैक साइड में कार्ड का, वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे कार्ड में डालने के बाद उसके बाद मेक पेमेंट आपको क्लिक कर देना है। जब मेक पेमेंट आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो है कि पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, और आपका और टिकट जो है आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। और बाकी डोमेस्टिक फ्लाइट जो है कि बुक करने का तरीका वही होगा कि आप फॉर्म में जो है कि दिल्ली जाएंगे, एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली डालेंगे और टू में मुंबई डालेंगे। जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया है, फॉर्म में जो है कि अबू धाबी डाला है और टू में जो है कि दिल्ली डाला है, तो वहाँ पे फॉर्म में आप दिल्ली डालेंगे और टू में मुंबई डालेंगे। कोई भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट का नाम डाल करके आप जो है टिकट बुक कर सकते हैं। तो गाइस, आप इस तरह से इंटरनेशनल्स एंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स, नॉर्मल जो रेगुलर फ्लाइट चालू होंगी, आप इस तरह से आसानी के साथ मेक माई ट्रिप के वेबसाइट पे जाकर के बुक कर सकते हैं और उसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, मेक माई ट्रिप का, और वहां से भी आप जो है कि बुक कर सकते हैं टिकट।